Hey yo, what's up viewers? I'm back with another video, man. और आज humidity level atmosphere में बहुत ज़्यादा है. अभी मैं नहा के आया, फिर भी पसीने हैं और दाढ़ी वाड़ी थोड़ी आ गई है अभी दाढ़ी. और अभी मैं स्टॉकयार्ड पे हूँ अपने घर के पास, और मेरा भाई भी है सूरज. और आज जो है बस घर पे बोर हो रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लिया जाए. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं आईजी पार्क, जो कि राउरकेला का जाना माना फेमस जगह है. और एक बात कि वो एक लवर्स पॉइंट भी है, जहाँ हर कोने कोने पे आपको दिख जाएंगे कपल्स रोमांस करते हुए. और आज जाएंगे अपने लूसीफर पे ही, चलते हैं सीधे. राइट दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे पीछे पार्किंग एरिया. लेकिन हमारा जो लूसीफर का अभी नंबर प्लेट नहीं आया, तो हमने किया जुगाड़. वो सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमने लगा दी है गाड़ी. और अभी मेरे पीछे वो गेट दिख रहा होगा आपको, वो है आईजी पार्क का मेन गेट. तो अभी हम लोग जाएंगे, और उस वहाँ से जाने के लिए एक ब्रिज भी है यहाँ पे, फुट ओवर ब्रिज. तो उसको क्रॉस करके हम लोग जाएंगे. तो चलते हैं फिर. चलते आगे, देखते क्या है क्या नहीं. अभी हम हैं नर्सरी के पास, पीछे नर्सरी का बोर्ड है, उस साइड सारा जंगल झाड़ और कुछ नहीं. और मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है, जो कि बचपन में मैं आया करता था, तो यहीं पे नाश्ता पानी जो भी होता था यहीं पे होता था. लेकिन अभी फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या रीज़न है. तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं. जानवरों को खाना खिलाना मना है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग खिला जाते हैं. और मेरे पीछे क्रोकोडाइल मगर का एक बोर्ड लगा हुआ है, और पीछे वहाँ पे मगरमच्छ है. तो चल के मगरमच्छ भी देख लेते हैं. ये रेल की पटरी मेरे पीछे, और यहाँ पे ट्रेन चला करती थी, अभी बंद है फिलहाल पता नहीं क्यों. और पीछे ट्रेन की बोगी खड़ी है. तो हम सोच रहे हैं थंबनेल के लिए हमारे वहीं पे फ़ोटो वगैरह निकाला जाए. तो अभी हम चलते हैं, फ़ोटो लेते हैं.
सो गाइज, अनफॉर्चुनेटली हमें क्रोकोडाइल के दर्शन नहीं हुए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अजगर भाई साहब के दर्शन करने। ये अजगर महाराज जी हैं ऊपर बैठे हुए, आपको जूम करके दिखा। तो चलते चलते हम लोग आ चुके हैं ऑस्ट्रिच महाराज जी के पास। तो सामने वो केज बना हुआ है, उसके अंदर ऑस्ट्रिच जी हैं, तो उनके भी दर्शन कर ही लेते हैं। ये बड़ी वाली ऑस्ट्रिच। सो गाइज, हमारे पीछे रोजी पेलिकन का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अंदर में रोजी पेलिकन का नामो निशान नहीं, पता नहीं घूमने गए हैं कहीं पे। और अंदर डक है, डक 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 है अंदर, बस एक पीस जिंदा, कभी भी किसी के भी प्लेट में जा सकते हैं मेरे भाई। सॉरी गाइज, अंदर में एक रोजी पेलिकन है, तो अभी हम लोग जाते हैं उसको देखते हैं अंदर से। ये पहले एक्चुअली में ये टाइगर के लिए था केज, ये बना हुआ टाइगर रखते थे इस पे, लेकिन अभी फिलहाल रोजी पेलिकन है अंदर, बस लास्ट पीस, बाकी पता नहीं किसके प्लेट में चला गया बेचारा। और ये डक है, एक डक और एक रोजी। ऑलराइट, सो अभी चलते हैं आगे। सो गाइस, चलते चलते हम लोग आ गए हैं जामुन के पेड़ के नीचे, और जमीन में काफी सारी पड़ी हुई हैं, और जो कि मतलब वेस्टी है। अब ये कोई गरीब को मिल जाता तो और भी बढ़िया होता, उसके काम आ जाता। ये देखो, ये सारे रास्ते में है ये पड़ा हुआ, अभी चलते हैं आगे इस। ये देखो भाइयों, हम लोग चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं, ये बगल में हमारे छोटा सा तालाब है जिसपे बोटिंग की जाती है। और मैं जगह जगह पे कैमरा बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के घर में कलेश हो हमारी वजह से। तो यहाँ पे हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी के पीछे एक कपल है, तो जिस वजह से हम कैमरा बंद कर दे रहे हैं, और नहीं चाहते कि किसी के भी घर वाले उन्हें देख कर के घर में कलेश क्रिएट हो जाए हमारी वीडियो की वजह से। तो हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम बंद कर दे रहे हैं बार बार कैमरा। और ये पीछे हमारे बोटिंग चल रही है एक्चुअली, और दिखाते हैं कैसा है यहाँ पे, यहाँ से नज़ारा। और ऊपर में बहुत सारे बैट्स लटके हुए उल्टे, तो वो भी दिखाते हैं कैसे चमगादड़ लटके हुए हैं। ये रहे, यहाँ से दिख रहे हैं ये सारे चमगादड़ हैं। चलते चलते हम लोग आ गए हैं पार्क के दूसरी छोर पे, बिल्कुल भी दूसरी ओर। और यहाँ पे है म्यूजिकल फाउंटेन हमारे पीछे, ये शाम के करीबन 6:30-7 बजे स्टार्ट होता है, और जो फाउंटेन है हमारा वो म्यूजिक के साथ रंग बदलता है और समझ लो नाचता है, जैसा देखा होगा फिल्मों में। पानी के पानी निकलता है, कलर चेंज होता है अपने आप, और डांस करता है पानी, बस वैसा ही है। और यहाँ पे और एक पेड़ के पीछे है, तो हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा, कपल्स के वजह से बार बार हमें कैमरा बंद करना पड़ रहा है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा था वीडियो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जो बगल में उससे दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। इसी के साथ अलविदा लेते हैं।